नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जावेद अली और आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। वक्त है सबसे तेज खबरों का, तो आइए डालते हैं एक नजर। मुंबई से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में विदेशी महिला को शराब नहीं मिलने पर मचाया जमकर हंगामा, क्रू मेंबर के साथ की बदसलूकी। Yeah, don't send me. Yes, sir. You can't give me a wee bottle of wine. What's the price you pay for that? What's f***ing stupid cow? F***ing stupid cow? Yeah. He pisses up people's bums. Yeah, hey. They've got f***ing money. I think you should think of people in f***ing economy better. Is this the report you're writing about me, is it? I'm a international criminal lawyer and a barrister. Calm down, no touching. You will be pissed on in court. Give me a bottle of wine and game over. Otherwise, we arrive in... Where are we arriving again? आसियान इंडिया समिट हिस्सा लेने के लिए दो दिवसीय दौरे पर सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी, फिटनेस फेस्टिवल को किया संबोधित। फ्रेंड्स, वी आर इन एन एज ऑफ अ हिस्टोरिक ट्रांजिशन ब्रॉट अबाउट बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेस्कटॉप टू क्लाउड फ्रॉम इंटरनेट टू सोशल मीडिया फ्रॉम आईटी सर्विसेज to Internet of Things. We have come a long way in a short time. इटली में लेक कोमो के नजदीक कास्टाडेबा रिसोर्ट एंड एसपीए में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी की रस्में हुई शुरू। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तालाब में नहाने गई एक ही परिवार की तीन बच्चियों की पानी में डूबकर मौत, घर में पसरा मातम। आज गांव सौसा खुर्द की तीन लड़कियां आपस में चचेरी बहनें थी, ये मगरा तालाब में नहाने गई थी दिन के लगभग 11 बजे और नहाते वक्त अचानक हादसा हो जाने से इनका जो है डूब गई है। इनकी डेड बॉडी मिल गई है और पंचायत में कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट को लेकर किसानों का प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा, किसानों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फूका पुतला। मोदी योगी हाय हाय, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। लड़ाई हुई थी। कहाँ पे? उनके नगर में, ससुराल में। हाँ, तो उनको मारा था। कौन मारा था? जीजा ने। तो हमने बोला था कि ले चलो, हमको मार डालेंगे। कौन? आपके सिस्टर बोले थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता के साथ 20,000 के इनामी बदमाश को दबोचा। 6 अक्टूबर को, 10वें महीने में 6 अक्टूबर को गौकशी की एक घटना हुई थी, इस संबंध में काउ स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत किया था। इस मुकदमे में 5 लोगों के नाम कुल मिलाकर सामने आए हैं, जिनमें से मुख्य अभियुक्त जिसका नाम बिलाल है, इसको हापुड़ पुलिस, हापुड़ देहात की पुलिस तथा SOG की संयुक्त टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति 20,000 रुपये का इनामी है। दिल्ली के थाना नरेला के ओलंबी स्टेशन के पास अज्ञात हमलावरों ने 55 साल के अधेड़ वृद्ध के सीने पर मारी 2 गोलियां, मौके पर ही मौत। ये आज सवेरे नरेला के इलाके में ओलंबी कला के नजदीक एक 50-55 साल की उम्र के व्यक्ति को चेस्ट में गोली लगी है, जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तफ्तीश जारी है। तो प्रदेश के बांदा में ग्रह क्लेश के चलते 55 वर्षीय विवाहिता ने लगाई आग, मौके पर ही मौत। तो प्रदेश के बरेली जिले में रामगंगा नदी के किनारे लावारिस स्थिति में मिले सैकड़ों आधार कार्ड, मचा हड़कंप। इसमें तो अभी प्रथम दृष्टया जो आप बता रहे हैं कि लावारिस हालत में मिले हुए हैं, लेकिन ये जांच के पश्चात ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस व्यक्ति ने या किस संस्था ने इसको वहां पर फेंका हुआ है और क्या उसके पीछे उसका उद्देश्य है। फिलहाल आज के लिए सबसे तेज खबरों में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए डीवी न्यूज, सबसे तेज सबसे पहले।